विधान परिषद की नागपुर और अकोला सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। प्रतिष्ठित नागपुर और अकोला बुल्ढाना वाशिम निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हुआ। आज राज्य में जो है विधान परिषद की 2 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें नागपुर और अकोला बुल्ढाना वाशिम है। नागपुर में जब से ही विधान परिषद चुनाव घोषित हुए है तब से लेकर आज तक जो है पूरा जो है ड्रामा चला है। एक दिन पहले जो है कांग्रेस द्वारा जो है अपक्ष उम्मीदवार जो देशमुख है उनने समर्थन देने का निर्णय लिया गया और आज जो है चुनाव होने जा रहे हैं। हम फिलहाल खड़े हैं ग्रामीण तहसील के पास और यहाँ पे जो है ग्रामीण के जो लोग हैं ग्राम पंचायत से जुड़े हुए, पंचायत समिति से जुड़े हुए, उनका जो है यहाँ पे वोटिंग होना है और सुबह 8 बजे से जो है यहाँ पे वोटिंग शुरू हो चुका है। पल पल की खबर हम देते रहेंगे। जिस तरह से नागपुर में जिस तरह से ड्रामेबाजी चल रही है, जिस तरह विधान परिषद के जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस की ओर से बीजेपी से आयात किए हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने कुछ घंटे पहले, चंद घंटे पहले जो है उन्हें समर्थन देने से नकारा है और जो अपक्ष उम्मीदवार है उन्हें समर्थन दिया गया है। तो अब देखना होगा, ये प्रतिष्ठा की जो लड़ाई शुरू हुई है, चुनाव जो है प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है और देखना होगा इसमें क्या होता है। ये तो आने वाले 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन आज की पल पल की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए BCN न्यूज़। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।